नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे SBI कार्ड में 707 रुपए लग गया चार्ज। अब ये चार्ज क्यों लग गया और यहाँ पे ये चार्ज के बारे में अगर आप जानोगे तो आप भी कहोगे सच में ये चार्ज नहीं लगना चाहिए था। लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे हमारे एक व्यूवर्स है जो कि इनके पास सिंपली क्रेडिट कार्ड है जो कि इनको 707 रुपए का चार्ज लग गया। और जब इन्होंने कस्टमर केयर में कॉल किया तो कस्टमर केयर ने बताया कि आप रिवार्ड पॉइंट भी ले रहे हो और इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले रहे हो, इनमें से आप एक ही ले सकते हो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी सामान पे अगर आप इंस्टेंट डिस्काउंट लेते हैं तो उसमें आप उसके बदले आप रिवार्ड पॉइंट भी ले रहे हैं, तो आपको अगर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जा रहा है किसी प्रोडक्ट पे और आप रिवार्ड पॉइंट भी ले रहे हो तो ये आपका बिल्कुल नहीं चला। दोनों से एक का बेनिफिट आप ले सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई रूल पॉलिसी अदर कार्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो रूल ए कहता है कोई भी कार्ड हो, अगर आपने किसी भी मर्चेंट पे अप्लाई किया, कहीं भी अप्लाई किया, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको मर्चेंट के बिहेवियर थ्रू मिल रहा है, भले से वो बैंक आपको जो डिस्काउंट है आप फिर कार्ड खर्च कर रहे हो उसके बिहा पे मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं आप उतना अमाउंट को स्पेंड कर रहे हो। साथ में जो रिवार्ड पॉइंट मिलता है वो सभी कार्ड में कार्ड को खर्च करने के बाद ही आपको मिलता है और ये रिवार्ड पॉइंट आप बाउचर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे इनके संग 707 रुपए काट लिए गए, तो मैं आपको बता दूं कभी भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में अगर आपका रिवार्ड पॉइंट मान लो 2000 है, 2500 है, 3000 है, तो एकदम कम रिवार्ड पॉइंट कभी रिडीम मत करना। आपका रिवार्ड पॉइंट अगर 5000, 10000 हो जाता है तो आप उसको अगर रिडीम करते हो तो आपको काफी सारे बेनिफिट होंगे, क्योंकि तो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने के चार्जेस भी बैंक अब लेना चालू कर दिए हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं जो ये चार्जेस कटे हैं ये बैंक ने क्यों काटा, अगर बैंक क्लियर कर दे तो शायद मैं आपको बताऊं। बट यहाँ पे जो मेरे व्यूवर्स हैं इनका ये दावा है कि बैंक बोलता है कि आपको इंस्टेंट डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर आप इसको लेते हैं तो आपको रिवार्ड पॉइंट वैल्यू में से कट जाएगा, मतलब कि दोनों का बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। ये सवाल कैसा है जो ये चार्ज नहीं कटना चाहिए था। तो यहाँ पे काफी हद तक इनको दिक्कत हुआ और एक काफी हद तक ये सवाल कर रहे हैं कि इसको आप लोगों को बताओ। देखो मैं आपको बता दूं जो क्रेडिट कार्ड होता है बहुत सारे रूल पॉलिसी नियम होते हैं जो आपके सामने बताए नहीं जाते हैं, आपको दिखाए नहीं जाते हैं, एक प्रकार से गुप्त होते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि क्रेडिट कार्ड को आप जब भी इस्तेमाल करो एक हिसाब में इस्तेमाल करो, रूल नियम को जान के इस्तेमाल करो। अगर आप इन सब चीजों को नहीं जानते हैं तो कार्ड को इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि अगर आपके पास कोई चार्जेस लगते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होना जरूरी है। जानकारी नहीं है, कार्ड हो गया है तो अगर कोई चार्जेस लग गया तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो ये इनके संग हुआ है, क्या आपके संग ऐसा हुआ था? आप भी राय कमेंट में शेयर करना और मुझे बताना क्या आपके संग ऐसा अगर हुआ था तो कैसे आपने इसका समाधान निकाला, वो भी बताना। क्या ये सही है गलत है वो भी आप शेयर करना। तो आपको वीडियो कैसा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और मुझे बताना क्या इसमें रियलिटी है। तो फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।